वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है, जिसमें तमाम सेक्टरों को लेकर आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया गया। आम आदमी से लेकर हर वर्ग बजट की मुख्य बातें जानना चाहता है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी कि देश के यूथ के लिए आखिर क्या घोषणाएं की गई हैं, इसको लेकर सरकार ने क्या घोषणा की है, क्या प्लान बनाया है। तो आपको बता दें कि इसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2,00,000 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4,10,00,000 युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 3 योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था यानी कि EPFO पर आधारित होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पहली बार जॉब कर रहे एम्प्लॉय और नियोक्ताओं को ध्यान रखा जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहला रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उन्हें दी जाएगी। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉय को 1 महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉय को 3 किस्तों में पहली सैलरी दी जाएगी। EPFO में पंजीकृत होने के साथ ही ये न्यूनतम राशि 15,000 रुपए होगी। EPFO में पंजीकृत लोगों को ये मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1,00,000 रुपए प्रति माह होगी और इसमें 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा देना होगा। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस स्कीम से विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में एक निर्दिष्ट पैमाने के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले 30,00,000 युवाओं और उनके नियोक्ताओं को हेल्प मिलेगी। और तीसरा, नियोक्ताओं की मदद करना। ये योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। 1,00,000 रुपए वेतन वाले सभी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति करेगी। ये योजना 50,00,000 लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत है। जाहिर है कि मोदी सरकार की 3.0 कार्यकाल में युवा सबसे ज्यादा रोजगार की मार झेल रहे हैं। ऐसे में ये घोषणाएं कितनी कारगर होंगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।